नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आपकी भारी डिमांड पे आज एक पीजी लेके आए हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। जी हाँ, अभी आपने जो फ्रेम देखा है, अभी आपने जो कैमरे पे देखा है, वो है आकाश हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 3। उसके पास की ही प्रॉपर्टी है। मेन रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके अंदर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन बहुत बढ़िया मिलेगा। आप उत्तम नगर ईस्ट से मेट्रो लेके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ई रिक्शा कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। अगर आप द्वारका साइड से आते हैं, द्वारका सेक्टर 5 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे मिल जाती है। जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये एक फ्लोर पे एक 3 BHK फ्लैट बना हुआ है, जहाँ पे आपको 2x2 की ऑक्यूपेंसी हर रूम के अंदर मिल जाती है, विच मीन्स आपको एक 3 BHK प्रॉपर्टी के अंदर हर बेडरूम में 2 बेड की ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, सिंगल रूम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्राइस की बात करते हैं, मात्र 6500 रुपये पर बेड की ऑक्यूपेंसी पे आपको ये पीजी मिल जाता है। सारे के सारे बॉयज़ हैं, अगर आप 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, जैसा भी आप मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी के रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मेंबर से। सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। एक रूम के अंदर आपको बेड मिल जाएगा, मैट्रेस मिल जाएगा, आरओ, पानी, गीज़र, जो जो आप सुविधा एक्सपेक्ट करते हैं गर्मी के अनुसार, एसी, अगर आपको एसी नहीं यूज़ करना तो कूलर, जैसा भी आप चाहें, जो भी आप चाहें। साथ ही साथ आपको इतनी बड़ी छत मिल जाती है यूज़ करने के लिए, जहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत खुला वातावरण एंजॉय कर सकते हैं। ओनर ने प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ में यहाँ पे काम करते हैं। लिफ्ट और 2-व्हीलर पार्किंग के साथ में आपको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। अब बिना किसी देरी के चलिए आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी की एक झलक दिख जाएगी। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं उसकी झलक दिख जाएगी, और उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे पूरी पार्किंग किस तरह से रहने वाली है और हमारा फ्लोर अंदर से किस तरह से दिखता है और किन सुविधाओं के साथ मिलता है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं, गिव अस अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोड मेंशनड है, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, कोई डिटेल जाननी हो, प्लीज इस प्रॉपर्टी कोड को आर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कीजिए, हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पेमेंट प्लान के लिए अभी आप हमें सेम चीज फॉलो कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सो दोस्तों, ये मिलती है हमें पार्किंग, पूरा का पूरा पार्किंग स्पेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे आप अपने 2-व्हीलर को बड़े आराम से आप पार्क कर सकते हैं। ये पूरा स्पेस एंड टू एंड, मतलब जहाँ से लेकर आप जहाँ तक देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल फॉर योर पार्किंग। यहाँ से हमें मिल जाता है स्टेयरकेस और लिफ्ट ऊपर जाने के लिए, और अब चलते हैं ऊपर। सो दोस्तों, ये स्टेयरकेस लेके आप ऊपर आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा स्टेयरकेस लेके ही आना है, आपके पास लिफ्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ये वाली लिफ्ट मिल जाती है, जहाँ से आप पार्किंग में अपनी 2-व्हीलर को लगा के ऊपर आ सकते हैं। इस पूरे फ्लोर पे केवल एक यूनिट है, विच मीन्स यहाँ पे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक फ्लोर पे जब 4-5 यूनिट्स होती हैं तो जाके दिक्कत आती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्लोर प्लान बता देते हैं और अब क्या क्या हमें सुविधाएँ मिलने वाली है वो बता देते हैं। पीजी के अंदर जनरली जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है अच्छे क्वालिटी के फर्नीचर, हाइजीन और वेंटिलेशन। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की समस्या नहीं मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको अप एंड रनिंग कंडीशन में, साफ़ सुथरी कंडीशन में, और मेनली प्राइमरली फर्स्ट हैंड कंडीशन में मिल रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पीजी है। इसके अंदर आपको कुछ भी चीज़ पुरानी या फिर यूज्ड नहीं मिलेगी।
फ्लोर प्लान हमारा कुछ इस तरह से है, जिस जगह पे हम खड़े हैं दिस इज़ योर लिविंग हॉल। काफ़ी अच्छे साइज़ का लिविंग हॉल है, सोफे के साथ में है। यहाँ पे सोफ़ा और जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपका टीवी हो गया सोनी का, यहाँ पे टीवी हमें मिल जाता है, चेस्टर मिल जाता है, आपको ये टेबल मिल जाती है, एक और चेस्टर इधर की तरफ रखा हुआ है, एक अलमीरा इधर की तरफ रखी हुई है, ये सारा का सारा आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे हमें फ्लोर पर डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं। ऊपर की ओर अगर आप नज़र मारते हैं, बहुत ही खूबसूरत शानदार बढ़िया फॉल सीलिंग बना रखी है, नीट एंड क्लीन। अब यहीं पे आपको सबसे पहले छोटी सी एक चीज़ बताते हैं, अगर आप बाहर जाके अपने कपड़ों को प्रेस नहीं कराना चाहते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर चला सकते हैं, और आपके माता पिता ने आपको ट्रेनिंग दी है कि कपड़े किस तरह से इस्त्री किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इस्त्री वाली टेबल मिलती है जिसके ऊपर अपने कपड़ों को आप आयरन कर सकते हैं। एक आपको मिल रहा है, अगर आपको पर्सनल अपना खरीद के लाना है, अपने कमरे में लगाना है, वो आप कर सकते हैं, दैट इज़ योर कॉल। यहाँ पे आपको केवल एक मिलता है विद एक बढ़िया सी फिलिप्स की आयरन। इस डोर को मैं बंद करके आपको दिखा देता हूँ इधर हमें क्या मिलने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ पर लगा हुआ है हैरियर का बहुत अच्छे साइज़ का एसी, जो आपके पूरे लिविंग हॉल को ठंडा रख सकता है। एक बेडरूम हमें इस तरफ मिलता है जिसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम मिलता है, एक बेडरूम हमें सामने की तरफ और एक बेडरूम हमें इस तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो अटैच वॉशरूम है वो कैसा रहेगा। जो अटैच वॉशरूम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अटैच वॉशरूम के अंदर आपको यहाँ से एक डोर मिलता है, विच मीन्स आपका जो बेडरूम है उससे कनेक्टेड वॉशरूम भी ये बन जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसको कॉमन वॉशरूम की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गीज़र यहाँ पे लगा हुआ मिलता है, एक शार यहाँ पे लगा हुआ मिलता है, इधर की तरफ एक वेस्टर्न सीट मिलती है, यहाँ पे हाथ धोने के लिए सिंक एरिया मिलता है, और वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट बनी हुई है जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वॉल टू वॉल टाइल्स है, कपड़े ढालने के लिए हैंगर है, और बाल्टी और मग्गा है, वो भी आपको लेकर नहीं आना है घर से, तो अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ से इस तरफ देखना शुरू करते हैं और क्या मिलता है। यहाँ पे आपको इंटरकॉम डिवाइस मिल जाता है, जो कि आपकी पार्किंग के बाहर बिल्कुल इसका सब कुछ लगा हुआ है। जो भी आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली पर्सन आते हैं, आप उनसे बात कीजिए, नीचे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेके चलते हैं हमारी किचन में, तो किचन एरिया आपका ये रहेगा, जिसके अंदर अगर आप खुद से कुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद से कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग करने के लिए आपको जो भी स्टोव या फिर जो भी फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए आप ओनर से आस्क कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको वो अरेंजमेंट करके दे देंगे। बाकी इस प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखने की जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप पीजी एज अ पेइंग गेस्ट बनके रह रहे हैं। यहाँ से लेके चलते हैं आपको फर्स्ट बेडरूम में, जिसके अंदर हमें वेंटिलेशन प्लस अटैच वॉशरूम मिलता है। इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो नई मिलेंगी, दीवारों के कलर से लेकर अलमीरा से लेकर गद्दे, सब कुछ आपको मिलता है ब्रांड न्यू मिंट कंडीशन में। यहाँ पे आप ये जो गद्दे देख रहे हैं 3x6 के साइज़ के गद्दे हैं। फिलहाल अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर कस्टमाइजेशन आप चाहें तो करवा सकते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे के सारे रूम्स में दो दो बेड की ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, विच मीन्स आप आराम से यहाँ पे दो बेड लगा के रह सकते हैं, पर रूम के अंदर दो बेड की ऑक्यूपेंसी प्लान की गई है। यहाँ पे आपको मिलता है वार्डरोब, अच्छे साइज़ का वार्डरोब है। यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ टर्न होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका सेकेंड वॉशरूम। सेकेंड वॉशरूम के साइज़ की बात करते हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट 5x5 का वॉशरूम विद वेस्टर्न सीट, सामने की तरफ हाथ धोने का एरिया, शार एरिया वेंटिलेशन के लिए इधर मिल जाता है, साथ ही साथ सामान रखने के लिए कुछ बहुत एक्सेसरी इधर पे मिल जाएगी, टाल रॉड कर्टन्स सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ मिलता है आपको। इधर से आएंगे, वेंटिलेशन इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कैसी मिलेगी, बढ़िया मिलेगी। इस वाली चीज़ को अगर आप नहीं जानते हो ये क्या है, तो इसके ऊपर कपड़े सुखाए जाते हैं, इसमें काफ़ी सारे कपड़े, छोटे कपड़े बड़े कपड़े सब कुछ इसके ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे हमारे एसी की एक्सटर्नल यूनिट यानी कि आउटडोर यूनिट ऊपर की तरफ लगी हुई है, मतलब अगर आप 6 फीट की हाइट के हैं और बालकनी में वॉक करते हैं तो आपका सर उससे टकराएगा नहीं। सामने की तरफ कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल वेंटिलेटेड नज़ारा मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर मतलब फोर्थ फ्लोर, जहाँ पे आपको हवा पानी वेंटिलेशन सब ज़बरदस्त मिलता है। दोस्तों, प्राइस पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी या फिर ये पीजी आपको बहुत सही मिल रहा है। जनरली जो भी आपको मार्केट रेट मिलेगा उसमें मार्केट रेट पे आपको जो पीजी मिलता है वो मिलता है 8,000 रुपये के आसपास सिंगल बेड ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे आपको मिल रहा है ब्रांड न्यू 6,500 रुपीज़ ऑक्यूपेंसी पे। यहाँ से चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में, सेकेंड बेडरूम आपको दिखा देते हैं। सेकेंड बेडरूम में यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ बेड साइज़ मिलेगा, जिस बेड को आप यूज़ करेंगे। थोड़ा सा अंदर आएंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे, यहाँ पे भी हमें बढ़िया सा अलमीरा मिलता है
ऊपर की तरफ फैन एंड ऑल लगा हुआ मिलता है। इस रूम के अंदर फिलहाल एसी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो अगर आपका मन है कि आपको एसी नहीं जमता है और आपको इस वाले रूम के अंदर कूलर की आवश्यकता है, तो कूलर का व्यवस्था भी की जा सकती है, कोई समस्या नहीं आएगी उसके अंदर आपको। यहाँ पे आपको लाइट, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी के साथ साथ वाईफाई की सुविधा भी मिल जाती है। तो आपको ऑल इन ऑल अपनी जेब से या फिर अपने आप से एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कुछ भी नहीं करने। ये डबल साइड क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर आपको इस साइड पे भी एक बड़ी सी रनिंग बालकनी मिलती है, जहाँ पे आप सारी की सारी जो आवाजाही है या फिर वॉकिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गली का साइज़ काफ़ी अच्छा है, 20 फीट चौड़ी गली मिलती है, और इस गली से बाहर निकलते ही हमको ई रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी, और अगर आप द्वारका साइड जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से आ जाते हैं हमारे फाइनली थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पर स्टोरेज का काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। इस पूरे ही रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए ये वाली बड़ी सी विंडो मिल जाएगी, इधर ये वाला एसी मिल जाएगा आपको, पैनासोनिक का लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको डबल बेड की ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी। अब मैंने आपको टोटल ऑक्यूपेंसी तीन रूम के अंदर दिखाई है 6 बेड्स की। अगर आपके मन में है कि मेरे को सिंगल रूम ही लेना है, तो आप ऑक्यूपेंसी के प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 6500 × 2 जो भी आपका बनता है। आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसी बेडरूम से आपको कनेक्टेड मिल जाता है हमारा आपका कॉमन वॉशरूम, यहीं से हमको अटैच मिल जाता है। ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी। अब इसको समराइज़ करने के लिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी एक पीजी है। इसके अंदर आपको टोटल 6 बेड की ऑक्यूपेंसी मिलती है। हर बेडरूम के अंदर हमें 2 बेड लगे लगाए मिलते हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपको वाईफाई मिल जाएगा, लाइट, फैंस, एसी, बेड, मैट्रेस, अलमीराज, इन्वर्टर, साथ ही साथ बिजली, पानी, सारी की सारी चीज़ें आपको लगी लगाई मिलते हैं। आपने पूरी वीडियो अगर एंड तक देखी है, यहाँ तक देखी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी ले सकते हैं, जॉब ढूंढने आए हैं दिल्ली में तो भी आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मिलजुल के रहना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा डेकोरम बना के रखना होगा। ओनर यहाँ पे रहते हैं और ओनर इस प्रॉपर्टी को खुद ही मेंटेन करते हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए हो, तो वो आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते आप कोऑपरेट करें उनके साथ में। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, प्लीज़ नोट डाउन दिस फ्लैट कोड और हमें कॉल कीजिए एज सून एज पॉसिबल। पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या पेमेंट प्लान रहेगा। टेरेस आपको एक्सेसिबल मिलती है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दी गई हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।